चोट पर अगर वक्त पे मरहम ना लगाया जाए तो वो जख्म बन जाता है। कब तक भागेगा राजा? कहां तक भागेगा? कितना भी दूर भाग ले पर अपने आप से तो नहीं भाग सकता। इस सच्चाई से नहीं भाग सकता कि रानी आज तेरे लिए जान देने को तैयार थी। तुम दोनों को पहले किस्मत ने अलग किया था पर आज जब रानी किस्मत से टकराने को तैयार थी तब उसे किस्मत ने नहीं तूने दूर कर दिया। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता पर मैं करना चाहती हूँ। तुझ पर मेरा भी हक है और मैं तुझे अपनी जिंदगी ऐसे बर्बाद नहीं करने दूंगी। बहुत बड़ा हो गया ना तू राजा, पर क्या अपनी माँ से भी बड़ा हो गया है तू? मरना ही था तो अरे उस आग में जल के मर जाता ना, ऐसे तेल तेल के क्यों मर रहा है? अरे वो आग तो इस आग से ज्यादा ठंडी थी जिसमें तू अभी जल रहा है। तू ये क्या कह रही है माँ? मैं वही कह रही हूँ जो मैं देख रही हूँ राजा। सांसें तो लेता है पर जीता सिर्फ रानी के साथ है। और आज तेरी जिंदगी खुद तेरे सामने चलकर आई और तूने उसे ठुकरा दिया। मुझे नहीं पता तू क्या कह रही है माँ। सच में राजा, तुझे वाकई नहीं पता कि मैं क्या कह रही। तुझे नहीं पता कि रानी तेरे लिए क्या है। तू बस इतना जानता है कि तू रानी के बिना नहीं रह सकता। इसीलिए जब तुझे पता चला कि वो कौन है तो तू उसके लिए कसौली तक चला गया। उसने तुझे ठुकरा भी दिया था पर तूने हार नहीं मानी। उसके लिए दुनिया से लड़ गया तू। गायत्री के बैग में वो पेपर्स मैंने डाले थे सर। तू चाहे तो सबसे, मुझसे, यहां तक कि अपने आप से भी ये झूठ बोल देना कि तू ये सब बदला लेने के लिए कर रहा है, अपनी नफरत के लिए कर रहा है, पर ये झूठ दोहराने से पहले सोच राजा। लोग जिससे नफरत करते हैं उनकी इज्जत बचाने के लिए इतने बेचैन नहीं होते। रानी के खिलाफ कोई एक शब्द भी नहीं बोलेगा, कोई नहीं। और अगर अब भी तुझे नहीं समझ में आ रहा कि मैं क्या कह रही हूँ तो सुन, रानी तेरा दर्द भी है और तेरी दवा भी। वो सोचता है कि तू रानी से नफरत करता है पर बेटा तू ये नहीं जानता कि प्यार कैसे कैसे खेल खेलता है। प्यार कभी चाहत बनकर आता है और कभी नफरत, जैसे तेरी जिंदगी में आया। यही सच है बेटा, तू रानी से प्यार करता है। ऐसा कुछ नहीं है माँ, पागल हो गई है माँ। अगर तुझे अब भी ये लगता है तो खा मेरे सर की कसम और बोल कि रानी तेरी कुछ नहीं लगती, तू रानी से प्यार नहीं करता। बोल राजा। I love you, राजा। हाँ मैं रानी से प्यार करता हूँ, करता हूँ रानी से प्यार।
आज से नहीं, कल से नहीं, 10 साल का था तब से रानी से प्यार करता हूं मां। रानी ये ले लो। थैंक यू जीव्स, हम बड़े ही किस्मत वाले हैं जो हमें तुम जैसा दोस्त मिला। तुम्हें जैसे ही लगा हम किसी खतरे में, तुमने हमें उस जंगल में भी ढूंढ निकाला। लेकिन अब हम किसी खतरे में नहीं है जीव्स। जीव्स प्लीज, अब राजा बाजा से मत लड़ना। हमारी खातिर चलते। बहुत प्यार करता हूं उससे मैं, बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं। क्या हुआ रानी? वो हमसे प्यार नहीं करता दादू, सब खत्म हो गया, सब कुछ। ये तो क्या कह रहा है राजा? जब तुम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो तो फिर तू क्यों सब कुछ खत्म करना चाहता है? क्योंकि रानी को मेरा दर्द भी पता था और मेरा जख्म भी, फिर भी वो मुझे छोड़कर चली गई। उस जीव्स के लिए। देख बेटा, अगर छोड़कर जाना होता तो वो यूं वापस नहीं आती। हाथ में रखा हुआ अंगार छुपाना आसान होता है, लेकिन दिल में बसा प्यार छुपाना बहुत मुश्किल। क्यों अपना प्यार छुपा रहा है उससे? उसे अपने मन की बात बता दे राजा। हम उसे अपने दिल की बात बता चुके हैं दादू, पर हमारी बात सिर्फ उसके कानों तक पहुंचती है, उसके दिल तक नहीं। पता नहीं ऐसी कौन सी बात है जो उसे हमारे पास आने से रोक रही है। हाँ, मैं खुद को उसके पास जाने से रोक रहा हूँ। पर क्यों? क्योंकि वो बहुत मासूम है माँ, और मैं क्या हूं? मैं एक जानवर हूं, कपूत हूं मैं, कपूत हूं। मेरे अंदर परसों से इतना गुस्सा, इतनी नफरत भरी हुई है मां कि मैं रानी के पास जाने से डरता हूं। पहले ही एक बार मेरा प्यार मेरे गुस्से से हार चुका है, पहले ही मैं रानी को इतना दर्द दे चुका हूं मां, अब और नहीं। मैं एक बुरा साया हूं और सुबह की धूप को बुरे साए से दूर रहना चाहिए। रानी, अगर प्यार किया है तो निभाने की हिम्मत भी रख। अगर विष के प्याले से डरना ही था तो मीरा क्यों बनी? प्यार दर्द देता है और प्यार दर्द देगा, लेकिन मर्जी तेरी है। या तो उस दर्द से डर के भाग जा, या उसे दिल का गहना बना ले, या तो राजा को उसकी हाल पे छोड़ दे, या तो उसका साथ निभा। पता है, जब तेरे माता पिता का विवाह हुआ था
तो तेरे पिता तेरी माँ से प्यार नहीं करते थे, लेकिन तेरी माँ के सब्र ने, प्यार ने, विश्वास ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। प्यार अगर दर्द देता है तो प्यार ही उसकी दवा है, और ये दवा और दर्द किस्मत वालों को ही मिलती है। हाँ दादू, आप सही कह रही हैं, प्यार किस्मत वालों को मिलता है, और किस्मत ने अगर हमें प्यार दिया तो हम उसे ठुकराएंगे नहीं। हम राजा का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हाथ कैसा है? अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गई, मैं किसी को तुम्हारे घर भेजने ही वाला था। ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जो तुमने मेरे साथ साइन किया था, मैंने तुम्हारे रिलीज फॉर्म पर साइन कर दिया है। अब तुम ये नौकरी छोड़कर जाने के लिए आजाद हो। और तुमने जितने भी दिन काम किया है ये तुम्हारी सैलरी का चेक है। और ये हैं तुम्हारी दादू के घर के पेपर्स। ये घर तुम्हारा ही है और तुम्हारा ही रहेगा। और हाँ, मैंने तुम्हारी नौकरी के लिए एक दूसरी जगह बात भी कर ली है। ये तुम्हारा रिकमेंडेशन लेटर। ऑल द बेस्ट, तुम जा सकती हो। तुम हमें नौकरी से निकाल रहे हो या अपनी जिंदगी से? जिंदगी से उन्हें निकाला जा सकता है जो जिंदगी में शामिल हो, और तुम मेरी जिंदगी में कभी थी नहीं रानी। अगर हम कभी तुम्हारी जिंदगी में नहीं थे राजा, तो हमने कल जो तुम्हारी आंखों में देखा वो क्या था? तुमने देखा, तुम्हें मालूम होगा मुझे से क्या मतलब। राजा, तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? नफरत का ही सही, एक रिश्ता तो है, ये रिश्ता मत तोड़ो। दुश्मन बन के जी सकते हैं, रजनबी बन के नहीं। तुम्हारे गुस्से के साथ रह सकते हैं राजा, पर तुम्हारे बिना नहीं। प्लीज ऐसा मत करो। तुम्हें हमें जो सजा देनी है दो, हम उफ तक नहीं करेंगे। दादू की कसम राजा, तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाएंगे। हम तुमसे बहुत बहुत प्यार करते हैं। बस तुम समझती क्यों नहीं हो रानी, मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम मेरी जिंदगी से दूर चली जाओ। ये सच है कि मैं नाराज था, सोचा कि तुम्हें दर्द दूंगा तो मुझे सुकून मिलेगा, लेकिन ये भी नहीं हुआ।
मुझे ना तुम्हारी दोस्ती रास आई ना तुम्हारी दुश्मनी। तुम बस कहीं चले जाओ रानी, मैं बस तुमसे दूर रहना चाहता हूं। यही बात हमारी आंखों में देख के कहो। मेरा खेल मेरे साथ मत खेलो रानी। हमें नहीं पता राजा तुम हमें खुद से क्यों दूर करना चाहते हो। हमें बस इतना पता है हम दोनों के बीच की दूरी की हर वजह हम मिटा देंगे। तुम खुद हमें और हमारे प्यार को कबूल करोगे। याद रखना अगर तुम राजा तो हम भी रानी हैं। और रानी हार सकती है पर हार नहीं मान सकती। रुको जा। वो बहुत जिद्दी है। हाँ जिद्दी तो है लेकिन अब उसे पता चलेगा वो दुनिया में अकेला जिद्दी नहीं है। आज रात को महल के सारे लोग महापूजा के लिए बाहर जा रहे हैं। राजा अकेला है तुम तब उसे मना सकती हो।
तुमसे बहुत प्यार करते हैं राजा, बहुत। आई लव यू राजा। I love you too, Rani.